तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आपके पास यूके की डिग्री एम्प्लॉयर्स ने, तो तुम क्या यूके भी गए थे? तो मैंने कहा नहीं, मैं यूके नहीं गया था। तो कहीं भी अप्लाई करते हो फॉर एनी रीजन, देखो यार दुनिया को डिग्री चाहिए, नो मैटर हाउ क्वालिफाइड यू आर, डिग्री एक एक बेसिक स्टैंडर्ड टू फॉलो, राइट? हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, तो आज की वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, CA मतलब चार्टेड अकाउंटेंसी में जो फंस गए उनके लिए सोल्यूशन। भाई एक बहुत अच्छा वक्त था जब मैंने भी सोचा था ऑस्ट्रेलिया से वापस आके कि यार अब मेरे पास कोई डिग्री सिग्री तो है नहीं, तो मैं कोई शॉर्टकट रूट ढूंढ लेता हूँ और मैं चार्टेड अकाउंटेंसी कर लेता हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये शॉर्टकट नहीं है भाई, ये बहुत लंबा रूट है। बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे पूछते हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट की फील्ड से रिलेटेड है, लिंक्डइन पे जो है वो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लिंक्डइन पे भी आप भी आ सकते हो मेरे पास, फॉलो कर सकते हो और बातचीत उधर कर सकते हैं। बहुत सारे रिक्रूटर्स भी हैं मेरे पास। तो बैक टू द टॉपिक, चार्टेड अकाउंटेंसी। चार्टेड अकाउंटेंसी चाहे इंडिया की हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान, या कहीं की भी आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, इवन आप ICW भी हो या कोई भी चार्टेड अकाउंटेंसी के पाथवे पे आप हो, तो आप ये बात जहन में रखो कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना 2016 में मार्च में, मैंने पहले ACC जाने से पहले मैंने CA में अटेम्प्ट मारने की कोशिश की थी और मैं पहले ही मॉड्यूल में था और मैंने उधर के हालात जो है ना वो देख लिए थे कि भैया यहाँ पे ना अपना काम मुश्किल है। क्योंकि उस वक्त ना एक रिजल्ट आया था, आई थिंक किसी अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था, मुझे एग्जैक्ट डेट वगैरह और मंथ वगैरह याद नहीं है, तो उसका रिजल्ट आया था और वो रिजल्ट में मैं जिससे बातचीत कर रहा था, होता है ना इंसान को क्यूरियोसिटी होता है, पूछता है कि यार भाई तो पास हो गया कि नहीं हुआ, तो जिससे पूछ रहा था वो सारे बंदे ही फेल हो रहे थे, तो मैंने कहा पास कौन होता है फिर। और जब उस अटेम्प्ट का मैंने पासिंग रेट देखा तो बहुत ही कम, और उसने सुना था यार ये तो बहुत अच्छा पासिंग रेट है पिछले सालों से। मैं कहा सीरियसली ऐसा भी होता है? तो मैंने कहा यार ये तो मेरे पास की बात नहीं है भैया, ये CA VA नहीं होने वाला मुझसे। मैंने कहा यार कोई ठंडी जगह ढूंढते हैं जहां पे ना कोई अच्छा अच्छा ऑप्शन ऑप्शन भी हो। अच्छा एक CA में बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये कि यार डिग्री का एलिमेंट जो है ना वो नहीं है। चाहे ऑल अराउंड द ग्लोब मैंने देखा है कि चार्टेड अकाउंटेंसी के साथ कोई भी डिग्री का प्लेटफॉर्म जो है ना वो कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, तो बेस्ट पार्ट इज कि ACCA वाले जो लोग है ना, एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट्स फ्रॉम UK, और ACCA का फायदा ये है कि एक तो ग्लोबल क्वालिफिकेशन है और दूसरा ये कि एक डिग्री का प्लेटफॉर्म है। अच्छा ACCA वालों का एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट्स जो है उनका एक MOU साइन है, म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन है विद ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी। और बहुत सारे लोग कमेंट्स इंस्टाग्राम पे मैसेजेस फेसबुक पे मैसेजेस करते हैं, सजी भाई इसके बारे में बताएं, तो बता दूं कि भाई जब आप ACCA के 9 पेपर्स क्लियर करते हो तो आप एक थीसिस लिखते हो जिसपे आपको ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी UK की डिग्री मिलती है। अब जब मैं इधर आया, मैं जॉब से अप्लाई कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आपके पास UK की डिग्री एम्प्लॉयर्स ने, तो तुम क्या UK भी गए थे? तो मैंने कहा नहीं, मैं UK नहीं गया था, मैंने पाकिस्तान से UK की डिग्री ले ली थी। और द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि जब आप इक्वल अपना जब इमिग्रेशन के लिए भी कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको डिग्री बहुत काम आती है। इवन आप USA में अप्लाई करते हो, कहीं भी अप्लाई करते हो फॉर एनी रीजन, देखो यार दुनिया को डिग्री चाहिए, नो मैटर हाउ क्वालिफाइड यू आर, डिग्री एक एक बेसिक स्टैंडर्ड टू फॉलो, राइट? बहुत सारे लोग आजकल चल रहे हैं कि भाई आप स्किल सीख लो और कमाना शुरू कर दो, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिग्री एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और उसके ऊपर जो आपके टॉप स्किल्स होते हैं वो एक 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 एडेड एडवांटेज है, राइट? अब CA में जो फंस गए ना उनके लिए बेहतरीन सोल्यूशन भाई वीडियो का ये है कि मेक श्योर करें कि चार्टेड अकाउंटेंसी में अगर आप बीच स्टेज में हैं, यार बहुत सारे बच्चे जो है ना वो CA क्वालिफाई नहीं कर पाते। देखो बहुत सारे घुस जाते हैं बट क्वालिफाई बहुत कम करते हैं, तो इट मींस कि बहुत सारे कम जो क्वालिफाई करते हैं उनमें से अब कुछ तो रास्ता निकालेंगे ना वो लोग, या कोई तो सोल्यूशन होगा ना। सो द सोल्यूशन इज ACCA। क्यों? क्योंकि इसमें एक बेहतरीन पाथवे, मेरे अभी दो तीन जो सेशन हो रहे थे उनमें काफी लड़कों से बात भी हुई, उन्होंने बोला शिवजी मैं CA इंटर तक किया है, नाउ आई वांट कि यार मेरे जो बाकी के पेपर्स हैं वो मैं देता रहूं बट मैं डिग्री का एटलीस्ट ले लूं ताकि मुझे सिक्योरिटी हो यार कि मैं कल इमिग्रेशन या कहीं पे भी जाता हूं तो मेरे पास फायदा हो, क्या पता मैं फाइनल्स में लटक जाऊं या मेरे पेपर्स क्लियर ना हो। तो मैंने कहा यार अभी काम करो आप जो है वो CA से, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ CA इंटर, तो CA इंटर से तुम ACCA में आ जाओ, एग्जेम्पशन ले लो, दोनों को साइड बाय साइड चलाओ। तो उससे पहले शिवजी भाई ACCA थोड़ा महंगा है, मैंने कहा यार मेरे काम करो कि एग्जामिशन ले लो पहले 6 पेपर की F1 to F6 और बाकी के 3 पेपर अटेम्प्ट करके डिग्री ले लो, बाकी ACCA छोड़ दो, CA करते रहना, ये ACCA करना है ACCA कर लेना प्रोफेशनल पेपर्स तक, राइट? तो ये आपके ऊपर है। और CA का बच्चा जो CA इंटर तक कर चुका होता है ना, मतलब टाइट मेहनत मेहनत कर चुका होता है ना, उसके लिए ACCA बच्चा कुछ भी नहीं है। तो कहानी ये है भाई, सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास CA में चार्टेड अकाउंटेंसीज में कोई डिग्री का ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट ACCA के पहले 9 पेपर्स करके डिग्री को अटेम्प्ट कर लो। दैट इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन एज वेल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर यार खुदा ना खास आपका CA क्लियर नहीं होता तो डिग्री होगी, कहीं मास्टर्स के लिए जा सकोगे, कुछ कर सकोगे, इवन जो UK की जो BSc अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री होती है उसमें जो थीसिस होती है वो बहुत अच्छी थीसिस होती है, फाइनेंस रिलेटेड थीसिस होती हैं, सोशल ग्राउंड्स पे थीसिस होती हैं, इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस पे थीसिस होती हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप थीसिस लिख के रिसर्च कर सकते हो एंड दैट वुड बेनिफिट यू इन द फ्यूचर एज वेल।
आपकी जॉब्स पे और बहुत सारी चीजों पे। अच्छा एक चीज और बताता चलो वीडियो एंड करने से पहले कि यार बहुत सारे लोग है ना वो मिडिल ईस्ट भी जाते हैं सीए करके, तो ये बात याद रखिएगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी आपको बीकॉम की रिक्वायरमेंट होती है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब 2 साल का जो बीकॉम है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली खत्म हो चुका हो रहा था, तो आप लोगों से बेहतर है कि यार आप लोग ये 3 साल की बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग की यूके की डिग्री कर लो, एंड दैट इज वर्थ इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, मिडिल ईस्ट हो, दुबई, अबू धाबी और चाहे कनाडा हो। यूके की जो डिग्री है वो एक यूके प्रेस्टीज एजुकेशनल कंट्री है जिसकी जो डिग्री है वो बहुत वर्थ इट करती है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, दैट डज नॉट मैटर। यहाँ पे पाकिस्तान वाला इंडिया वाला हिसाब किताब नहीं है, टॉप यूनिवर्सिटीज, मिडिल यूनिवर्सिटीज और लोअर टियर यूनिवर्सिटीज यहाँ पे सब इक्वालिटी में ट्रीट करते हैं। मेक श्योर कि आपके पास जो है वो स्किल्स या आपके पास जो है वो हुनर हो। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक एंड फॉर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना यार, और जाते जाते अगर कमेंट करके चले जाओगे और शेयर करके जाओगे तो आई वुड लव टू सी दैट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।